अब सेम प्रॉब्लम को हम लोग वैनिशिंग पॉइंट मेथड से करते हैं। देखिए इसमें करने का क्या मेथड है, ये हो गया पीपी, नेमिंग सेम तरह से कर देते हैं, ए बी सी डी, ये मेरा सेंटर ऑफ क्यू हो गया। ये हो गया एस स्टेशन पॉइंट, इस स्टेशन पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 50 मिलीमीटर। अब जो है स्टेशन पॉइंट से सभी पॉइंट को हम मिला दिए, ये हो गया B1 F1 C1 G1 D1 H1 यही सेम एक्सेल A1 और E1 हो जाएगा। अब AB और DC दोनों पैरेलल हैं, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचे और या तो इसका नाम दे दिए V1 या R भी दे सकते हैं, और AD और BC के पैरेलल एक लाइन खींचे
से इसका नाम दे दिए स्मॉल बी टू, ठीक है, या लेफ्ट स्मॉल बी राइट स्मॉल बी, ये हो गया। अब यहां हम ले लिए ग्राउंड लाइन और HL हो गया। HL का डिस्टेंस क्या है, ये भी GL से 50 मिलीमीटर हाइट पर है, तो ऐसे क्या होगा। अब V1 और V2 को HL पर प्रोजेक्ट कर दिए, ये हो गया कैपिटल V1 और V2 को प्रोजेक्ट कर दिए HL पर, ये हो गया कैपिटल V2, ठीक है। अब A को प्रोजेक्ट किया, ए चूंकि पिक्चर प्लेन में है तो हमको ये टू साइज मिलेगा, ठीक है। अब भी वन को ऐसे मिला दिए और इसे मिला दिया, यानी कि ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल लाइन है, वो जाके इस साइड में भी वन पर मिल रहा है। तो इस पर हमको मिलेगा क्या क्या, बी और एफ, बी वन और एफ वन को प्रोजेक्ट किए, तो ये हो गया कैपिटल बी डैश, ये हो गया कैपिटल एफ डैश, ये हो गया कैपिटल ए डैश, ये हो गया कैपिटल ई डैश, ए बी एफ ई फेस का हमारा पर्सपेक्टिव हो गया। अब भी टू से ए डैश को मिला दिए और भी टू को कैपिटल ई डैश से मिला दिए, यहां पर ये डैश नेमिंग होगा। अब भी टू ए डैश लाइन पर हमको डी डैश मिलेगा क्योंकि ए डी है साइड, तो भी टू ए डैश लाइन पर कैपिटल डी डैश मिलेगा और भी टू ई डैश लाइन पर हमको एच डैश मिलेगा। तो डी डैश एच डैश
D1H1 से प्रोजेक्ट किए, ये हो गया मेरा D'H'. ये हो गया। अब ये क्या है, ए डी और बी सी दोनों पैरेलल हैं, तो ए डैश बी टू लाइन पर मिला डी डैश, बी डैश बी टू को मिलाएंगे तो ये इस पर हमको सी डैश मिलेगा, और ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं तो ए डैश बी डैश बी वन और डी डैश सी डैश बी वन ये एक पॉइंट पर वैनिश हो रहा है, तो और ये आपका पेंसिल वर्क सही रहेगा, तो बी डैश भी वन बी डैश भी टू और सी वन का प्रोजेक्ट एक ही पॉइंट पर काटेगा, तो ये हो गया मेरा सी डैश। अब विजिबल इनविजिबल का तो दिक्कत नहीं है, पहले बता दिए विजिबल मेथड में, क्योंकि स्टेशन पॉइंट मेरा इसका हाइट से ऊपर है तो सी भी हमको दिखेगा। अब जी पॉइंट को, तो जी पॉइंट कहाँ है, एफ जी लाइन पर है, एफ जी किसके पैरेलल है, ईएच के, तो ईएच के पैरेलल एफ जी है, तो ये B2 पर B2 पर मिलेगा, ठीक है, और एच जी और ई एफ दोनों पैरेलल है तो ये किस साइड में है, तो ये वी वन पर मिलेगा, तो ये है, और एच जीवन को इस पर प्रोजेक्ट किए तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर काटेगा, तो ये मेरा हो गया पॉइंट जी डैश जो इनविजिबल रहेगा, इनविजिबल रहेगा तो ये मेरा क्यूब का पर्सपेक्टिव व्यू कंप्लीट मिला। तो सिंपल केस है ये, तो इसमें इनविजिबल पॉइंट को शो कर दिए, इनविजिबल लाइन को शो कर दिए, लेकिन जब बिल्डिंग का वर्क रहेगा तो बिल्डिंग में तो बहुत सारा लाइन्स है, इसलिए जो इनविजिबल पार्ट रहता है उसको पर्सपेक्टिव व्यू में साफ ओमिट कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं, सिर्फ विजिबल पार्ट को हम दर्शाते हैं। तो इसका नाम हो गया वैनिशिंग पॉइंट मेथड, जो पहले हम लोग विजुअल मेथड से किए, विजुअल मेथड से जो किए जो सॉल्यूशन हमको मिला
सेम सॉल्यूशन हमको इस मेथड में मिलेगा, वैनिशिंग पॉइंट मेथड में। और दोनों को जब एक ही चीज को दोनों अलग अलग मेथड से कीजिए एक ही जगह पर, देखिएगा कि सब लाइन कौन साइड कर गया, तब हमारा पेंसिल वर्क सही है। अगर पेंसिल वर्क सही नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये दोनों लाइन यानी कि F डैश V2, H डैश V1 और G1 का प्रोजेक्ट एक लाइन पर नहीं काटेगा अगर पेंसिल वर्क में गड़बड़ी रहेगा तो। उसी तरह से B डैश V2, D डैश V1 और C1 का प्रोजेक्ट एक लाइन पर नहीं काटेगा। तो ये हमारा चेक है यहीं पर कि ये चेक हमारा बता रहा है कि हमारा पेंसिल वर्क सही है। तो ये बनाते हैं वैनिशिंग पॉइंट मेथड से, ये हो गया। जब बिल्डिंग का हम पर्सपेक्टिव करते हैं तो ये तो कुछ नहीं दिया है, हमको खुद से करना है। तो स्टेशन पॉइंट का जो पोजीशन लेते हैं वो बिल्डिंग से एटलीस्ट बिल्डिंग के हाइट का 2 to 3 times हम लेते हैं डिस्टेंस बिल्डिंग से, और तब हम देखते हैं कि ये मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा। तो एक काम कीजिए कि अगर आप हमको भेज सकते हैं तो भेज दीजिए कुछ क्वेश्चन जो आपके सीनियर का है बिल्डिंग रैंक का पर्सपेक्टिव का, तो वो प्रॉब्लम या तो कर देंगे हम।